नमस्कार, मेरा नाम है यशिका और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर देवी मां की मूर्ति को तोड़कर दिखाई अपनी कायरता। जी हां, ये खबर बांग्लादेश से आई है, जहां 7 अक्टूबर को कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ डाली। ये मंदिर ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में तुरंत जुट गई। घटना झेंदा जिले के दोतिया गांव में हुई। यहां काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई। आरोपियों ने मूर्ति का सिर मंदिर परिसर से लगभग आधा किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुकुमार कुंडा ने कहा, इस मंदिर में अंग्रेजों के जमाने से पूजा हो रही है। हमला रात करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ। मंदिर में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमलावर बिना किसी डर के मूर्तियों को खंडित कर पाए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इस हमले में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बांग्लादेश पूजा सेलिब्रेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी चंद्रनाथ पोदार ने कहा, यह घटना बांग्लादेश में 10 दिवसीय दुर्गा पूजा खत्म होने के 24 घंटे के अंदर हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि पूरे देश में इन 10 दिन में कोई घटना नहीं हुई। पिछले साल की तुलना में इस साल दुर्गा उत्सव काफी शांति से मनाया गया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे कि इससे पहले और कब कब हिंदुओं के मंदिरों को ठेस पहुंचाई गई। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पिछले साल भी दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया था। इस दौरान करीब 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई थी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले का पुराना इतिहास रहा है। भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले ही 29 अक्टूबर 1990 को बांग्लादेश में जमात इस्लामी राजनीतिक संगठन ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की अफवाह फैला दी थी, जिसके चलते 30 अक्टूबर को हिंसा भड़क गई थी, जो 2 नवंबर 1990 तक जारी रही थी। इस हिंसा में कई हिंदू मारे गए थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।